हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में मेरे बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। और गुडविल की कैलकुलेशन में भी मैं आज आपसे फर्स्ट मेथड की बात करूंगा, जिस मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बड़ा सिंपल सा मेथड है। आज मैं इस वीडियो में आपसे उस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बच्चों, जिन्होंने मेरी थ्योरी पार्ट की वीडियो अभी नहीं देखी है, बच्चों आपके सामने लिंक ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिए और आप पहले फटाफट से गुडविल की थ्योरी को कवर कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी कवर करेंगे तो ही आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे कि आपको क्या करना है। तो मेरे बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं आपसे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इनके मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा कि आपको क्या कैसे कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा गुडविल की कैलकुलेशन का एक पार्ट है मेरे बच्चों। इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसी के अंडर दो मेथड आते हैं। एवरेज के अंदर ही दो मेथड है। एक है आपका सिंपल एवरेज, और एक है आपका वेटेड एवरेज। तो आपको दो पार्ट्स में ये मेथड आपको समझ में आएंगे, सिंपल एवरेज और क्या मेरे बच्चों, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज आप तभी यूज करना जब बोर्ड में आपसे क्वेश्चन में वो कहे। तो यहां ब्रैकेट में लिख भी लेना, ओनली व्हेन आस्क इन क्वेश्चन, अदरवाइज तो मैं इसे यूज नहीं करने वाला। अगर क्वेश्चन आता है एवरेज मेथड से सॉल्व करो तो मैं सिंपल एवरेज से कर दूंगा सर, और यहां पर मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये एवरेज होता क्या है, देखो मेरे बच्चे, चलिए एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। पहले तो मैं एवरेज निकालना आपको सिखाता हूं, सिंपल एवरेज लेके चल रहा हूं। तो मेरे बच्चे, एक फर्म है जिसको फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 10,000 का, सेकेंड ईयर उसको प्रॉफिट हुआ 20,000 का, थर्ड ईयर उसको फिर से प्रॉफिट हुआ 10,000 का, फोर्थ ईयर उसको प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज। ठीक है, आपको प्रॉफिट समझ में आ रहे हैं, 10, 20, 10 और 30। फिफ्थ ईयर में उसको मेरे बच्चों लॉस हो गया, ब्रैकेट का मतलब लॉस है, और मैं अभी लिख भी देता हूं आपको, लेकिन ब्रैकेट का मतलब ही लॉस होता है। और कितने रुपए का लॉस हुआ, 20,000 का। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे सिंपल टर्म्स में, एक लेमैन की भाषा में ये बता दीजिए कि पूरे साल में, इन 5 सालों में उन्होंने एवरेज कितना कमाया। तो मेरे बच्चों, अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं एपी, तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे आप पहले उन्हें क्या करिएगा मेरे बच्चों, ऐड कर लीजिएगा। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे आप उन्हें पहले ऐड कर लीजिए, और जितने भी आपके लॉस होंगे आप उन्हें क्या कर लीजिए मेरे बच्चों, माइनस कर लीजिए, डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ इयर्स। और आपके नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं मेरे बच्चों, नंबर ऑफ इयर्स आपके पास हैं 5। तो एवरेज निकालना बड़ा सिंपल है या नहीं है, प्रॉफिट्स को ऐड कर लीजिए और लॉसेस को क्या कर लीजिए मेरे बच्चों, माइनस कर लीजिए। तो आपका जो एवरेज आएगा वो आएगा मेरे बच्चों 10,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका एवरेज आएगा 10,000 रुपए। अब मेरे बच्चों, एग्जाम में आपको तो गुडविल कैलकुलेट करनी है, सर एवरेज क्यों निकालना सिखा रहे, अभी बताता हूं बच्चों। गुडविल का फॉर्मूला आपका होगा एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे बच्चों, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप उसे 1 मानिएगा। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि मेरा एपी आया था 10,000 और मेरे पास तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है ही नहीं, इनटू 1 लिखता हूं तो मेरी गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई मेरे बच्चों, 10,000। और लिख भी देता हूं, ये मेरी गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरे दुकान की गुडविल। ठीक है बच्चों, अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 दिया होता तो 2 लिख देता, 3 दिया होता तो 3 लिख देता। तो नीचे आप लोग एक नोट डालकर अपने लिए जरूर लिख देना,
कि अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन ना हो, इफ द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप उसे क्या मानेंगे मेरे बच्चों, वन मानेंगे। ये नोट जरूर लिख लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट तो बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत इजी है, ये तो हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों ये करना इतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है। आपको जब बोर्ड में वो क्वेश्चन देंगे तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं देंगे। इन प्रॉफिट्स में वो आपको एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट भी देंगे। तो मेरे बच्चों अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं, आप जल्दी से अपने पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल गेन। अब जैसे मेरे बच्चों मैं यहीं पर आपको ये क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन पर लेकर आता हूं। फर्स्ट ईयर में 10,000 का प्रॉफिट हुआ था इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000, ठीक है मान लीजिए, और 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ था इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं और फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो मेरे बच्चों, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। तो पहले तो ये समझो कि ये होते क्या है। एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, सॉरी मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया है, एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट, तो ये होते क्या है। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो ये बिजनेस के रिलेटेड पार्ट नहीं है, ये वो चीजें हैं जिससे बिजनेसमैन भी एबनॉर्मल हो सकता है। जैसे मेरी एक दुकान है, अब मेरा एक सर्वेंट आया चिल्लाते हुए कि सर दुकान में आग लग गई या चोरी हो गई, मैंने उससे कहा अरे चल बैठ जा, ये तो नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल है बच्चों? तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट आपके एबनॉर्मल लॉसेस हैं, और इसी प्रकार आपको एबनॉर्मल गेन भी गिवन होंगे। जैसे लॉटरी टिकट से आपको जीत गए, बिजनेस तो मोबाइल फोन का था, आप लॉटरी टिकट से जीत गए, तो ये एबनॉर्मल गेन है। तो मेरे बच्चों एबनॉर्मल लॉसेस से आप अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, एबनॉर्मल लॉसेस से प्रॉफिट फालतू में कम हो गए होंगे या बढ़ गए होंगे, फालतू में कम हो गए होंगे, तो आप एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर लेना ताकि आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स पर आ पाओ। क्योंकि जब गुडविल का आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो नॉर्मल प्रॉफिट्स पर ही कैलकुलेट होगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए एबनॉर्मल लॉसेस को आप अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप एबनॉर्मल लॉसेस ने आपके प्रॉफिट को फालतू में कम कर दिया था, और एबनॉर्मल गेन से आपका प्रॉफिट फालतू में इंक्रीज हो गया था, तो आप उस एबनॉर्मल गेन को अपने प्रॉफिट में क्या करेंगे बेटा, कम कर लेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में एक छोटी सी थ्योरी समझा देता हूं, आप डिटेल में लिख लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉसेस हैं तो आप उसे अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस, तब आपको आपका नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और अगर एबनॉर्मल गेन आपको गिवन है बच्चों, तो आप उसे अपने प्रॉफिट में से क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तब आपको आपका नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, और फिर आप एवरेज निकालेंगे। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे चलूं, तो 10,000 मेरा एबनॉर्मल गेन के बाद प्रॉफिट आया था, तो एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट फालतू में बढ़ गया होगा, तो ये 5,000 आएगा बच्चों, और एबनॉर्मल लॉस से फालतू में प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो 20,000 में 10,000 ऐड करूंगा तो 30,000 आएगा। अब मेरा जो एवरेज निकलेगा वो यहां 10,000 की जगह 5 लिखूंगा और यहां 20 की जगह क्या लिखूंगा, 30। अब जाकर मैं एवरेज निकालूंगा, तब जाकर मैं अपनी गुडविल को फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस होता तो मैं उसको एवरेज में से माइनस करूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा होता कि सैलरीज भी हमें देनी है पार्टनर्स को 1,20,000 की, तो पहले आप अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, गुडविल नहीं एवरेज निकाल लीजिए, और उस एवरेज में से अपने नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करिएगा बेटा, माइनस कर लीजिए। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? तो एवरेज प्रॉफिट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको पढ़ाया सिंपल एवरेज। अब
आपको मैं बताने जा रहा हूं वेटेड एवरेज के बारे में, और वेटेड एवरेज आप कहां पर लगाएंगे मेरे बच्चों, क्या बोला मैंने आपको, जब आपसे क्वेश्चन कहे। और अगर मैं थ्योरिटिकल बात करूं कि जैसे थ्योरी में आ गया कि वेटेड एवरेज कहां जनरली यूज होता है, तो आप ये मत लिख के आइएगा कि अभिनव सर ने बोला था, जहां क्वेश्चन में लिखा हो। वेटेड एवरेज थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां लगता है जहां प्रॉफिट में एक ट्रेंड दिखाई दे रहा हो। ट्रेंड इन द सेंस या तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा या आपका प्रॉफिट क्या हो रहा होगा मेरे बच्चे, कम हो रहा होगा, तो वहां पर आप वेटेड एवरेज लगाएंगे। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं और आपको समझाता हूं कि क्या करना है। जैसे मेरे सपोज बच्चों आपको ईयर्स गिवन है, और ईयर गिवन है 2017, 18, 19, 20, 21, और आपको प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट गिवन है आपको 43,000, और आपको गिवन है प्रॉफिट 50,000, और आपको गिवन है प्रॉफिट 52,000, फिर बच्चों 65 और 85। तो अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसे वेटेड एवरेज से सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन में लिखा है तभी करना, अगर ना लिखा हो तो सिंपल एवरेज से ही कर देना। और वेट्स भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर क्वेश्चन में वेट्स गिवन ना हो तो आप 1, 2, 3, 4, 5 वेट्स दे दीजिएगा। वेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, नहीं गिवन हो तो 1, 2, 3, 4, 5 दे दीजिएगा। अब मेरे बच्चों करना क्या है आपको, आपको प्रॉफिट्स इनटू वेट कर आपको प्रोडक्ट निकालना, ये लिखना मत, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालना। तो मैं ये साइन हटा देता हूं कि आप कहीं बोर्ड में भी लिखा है, आप प्रॉफिट इनटू वेट कर प्रोडक्ट निकालेंगे तो 43 है ये इंटू वन आपका 43 होगा, 50,000 इंटू टू आपका 1,00,000 होगा, 52,000 इंटू थ्री आपका 1,56,000 होगा, 65 इंटू फोर आपका 2,60,000 होगा, और 85,000 इंटू फाइव आपका 4,25,000 रुपए हो। और जब आप इस टोटल प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे तो आपका आएगा 9,84,000, और टोटल वेट्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये 15 आ रहा है। अब यहां पर वेटेड एवरेज, पहले आपने पिछले क्वेश्चन में सिंपल एवरेज निकाला था, अब आप वेटेड एवरेज निकालोगे। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो आपने निकाला अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो 9,84,000 अपॉन टोटल ऑफ वेट्स की बात करूं तो 15 है, वेटेड एवरेज आपका आएगा 65,600। और गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, ये कॉमन रहेगा, वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो जो आया इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और पिछली बार तो मैंने 1 माना था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 है, तो 65,600 इनटू 2 आपका आंसर आएगा 131,200, और ये आपका आंसर होगा गुडविल ऑफ द फर्म। तो ठीक है बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज प्रॉफिट में आपको दो मेथड हैं, एक है आपका सिंपल एवरेज और एक है आपका वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज आप कब यूज कर लेना जब वो एवरेज मेथड कहे, वेटेड एवरेज को आप तभी यूज करना जब क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली बोले। और थ्योरी में मैंने आपको बताया कि वेटेड एवरेज कहाँ यूज होता है, जहां प्रॉफिट में एक ट्रेंड दिख रहा होगा, या तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा होगा या फिर प्रॉफिट लगातार क्या हो रहा होगा मेरे बच्चों, कम हो रहा होगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा, मैं उसको फटाफट से सॉल्व कर दूंगा।